भारत सरकार कोरोना को लेकर लोगों को बार बार सतर्क कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत में कोरोना के मामले अगले महीने में तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के लिहाज से अगले 40 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट पिछले पैटर्न को आधार मानते हुए इस ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पहले यह देखा गया है कि कोविड-19 की कोई भी एक नई लहर पूर्वी एशिया में आने के लगभग 30-35 दिनों के बाद भारत में आती है। ऐसा ट्रेंड पहले भी देखा गया है, पर इसके लिए भारत सरकार बिल्कुल तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव केस 3,468 हैं, जो कुल मामलों का 0.01% हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मामलों की संख्या में 47 केस बढ़े हैं। देश में मरीजों का रिकवरी रेट 98.80% है, वहीं डेली पॉजिटिव रेट 0.14% है और वीकली पॉजिटिव रेट 0.18% है। हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है, इसको लेकर देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल भी किया गया।